पुनरीक्षण राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जनवरी से 17 जनवरी तक शुरू होने वाले सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के प्री लॉन्चिंग मीटिंग का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने किया। बैठक में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जनपद को क्षय रोग से मुक्त कराने के लिए 7 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाए जाने वाले क्षय रोग मुक्ति अभियान की सफलता की रणनीति तैयार की गई तथा अब तक विकास खंड के अंतर्गत की गई कार्यवाही का विवरण भी पेश किया गया। जनरेटर तो नहीं, जनरेटर तो भी देखा है। सर एक आशा कार्यक्रम उसका सर है, ये आशा कार्यक्रम ठीक है सर, हमारा एवरेज अगर आशा पेमेंट देखें तो 24-16% है। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, लगभग 3000 हो जाए सर हम लोगों की एवरेज पेमेंट है। आशा तो वही ग्राम सभा, एक्चुअली आशा को रखा कैसे जाता है ये ग्राम प्रधानों को नहीं पता है, जो रखे हैं वो हटाने की पावर मेकर ये जैसे हमारे मनरेगा में सर वो खाते नहीं खुल रहे हैं, उसके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, ये जो हमारी वेइंग मशीन मशीन की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाए, सब उसी में से निकाल के 700 रुपए की वेइंग मशीन ले लेंगे। उस बैठक में सर पूरी प्रोग्राम के बारे में उनको ओरिएंट करते हैं, बल्कि उनको प्रिंट आउट देंगे सर। इसमें देखिए एक बड़ी बात नहीं है, इसमें हमारे 1354 ग्राम सभा तो उसमें आप लोग कहेंगे तो हम लोग जो हमारा दीक्षा भवन है उसको हम लोडिंग के लिए लेते हैं और उसमें आधा आधा करके ठीक है, उसमें हम 650-650 करके या तो एक ही दिन में फर्स्ट और सेकंड सेटिंग दो बार करके सभी प्रधानों को हम बुलाते हैं और उसमें इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं ठीक है। तो एक बार और सर आप जब भी कहेंगे प्रगति है सर, तो इसमें चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन सर 78% लगभग सर हो चुके हैं, इसमें सर कोई इशू नहीं है, सब ठीक कर रहे हैं। ACF 7 तारीख से चलेगा, फिर 7 से 17 10 दिन का, इसका भी मैंने ये बोर्ड लगा, ये भी इसकी आप DTF होनी है तो जो है आगे है हमारे ये हर पॉपुलेशन जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है 48 लाख का पॉपुलेशन है। पहले राउंड में हम लोग 103 मरीज मिले थे, 103 पेशेंट मिले थे और सेकेंड राउंड में 150, थर्ड में हमारा 124 और फोर्थ में हम लोग को 218 मरीज मिले थे। सभी का ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है सर। जो कंपेरिजन ऑफ ट्यू परफॉर्मेंस जो भी हमारे राउंड हुए ACF के उसके लो परफॉर्मेंस ट्यू और गुड परफॉर्मेंस ट्यू है। लो में जो हम लोग 4 राउंड चले हैं, इसमें गगहा पिपरौली और खजनी जो लो परफॉर्मेंस ट्यू है, जहाँ पे एक पॉजिटिव केस जो हम लोग स्पूटम पॉजिटिव केस ACF के दौरान हम लोग करने की जरूरत है तो मालूम किया जाता है कि किसको क्या है। ACF के दौरान मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में 10 से केसेस ऊपर मिल रहे हैं हमको वहाँ पे मात्राओं में। ये माइक्रोपान है जो 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में चलेगा, 10 डेज का मिशन सर जो एक्टिव नहीं होगा। इसमें सर 214 टीम बनी है हम लोग की और 645 मेंबर है, एक टीम में तीन मेंबर होंगे और एक सुपरवाइजर 5 टीम पे होगा और हम लोग यहाँ 50 सुपरवाइजर इसमें है और MOTC इसमें 15 टीम पे एक MOTC उसको सुपरवाइज करेंगे। तो हमारे पास 21 TU है तो 21 TU के MOTC के मॉनिटरिंग सुपरविजन हो गए हैं सर। एक ब्लॉक वाइज डाटा है जो पिछले ACS में जो 4 राउंड हुए हैं हम लोग के तो उसमें पूरे उसका ब्लॉक वाइज है। इसमें गधा हम लोग का सबसे कम स्पूटम पॉजिटिव केस मिले थे, उसमें गधा है, पिकोराबार है, ऐसे करके इसमें हम लोग को कम केस मिले थे इसमें मिले थे पिछले राउंड में, ऐसे करके पूरे ब्लॉक वाइज रिपोर्ट है सर पूरे ACS का। ट्रीटमेंट यदि कर देते हैं तो 1000 रुपया है, यानी 500 नोटिफिकेशन एंड टोटल कम्प्लीट ट्रीटमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कहीं से भी कोई भी केस हो नोटिफाई होता है तो निश्चित पोर्टल पर एंट्री कर लिया जाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट तत्पर रखा जाए।